आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर दैट इज हाउ डू ऑरगज रिप्रोड्यूस इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैंसुआ साइकिल के बारे में देखते हैं मैंसुआ साइकिल क्या होता है द ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ द इनर थिन एंड द सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस एलॉन्ग विद इट ब्लड वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ द वजाइनल ब्लीडिंग इज कॉल्ड मैं साइकिल जैसे ये यूट्रस की वॉल है इसकी जो लाइनिंग होती है ये बहुत सारे ब्लड वेसल से क्या रहती है फिल्ड रहती है और यही लाइनिंग क्या होती है ब्रेक डाउन होती मीन्स टूट जाती है जिससे क्या होता है वजाइना से ब्लीडिंग होती है उसी को क्या कहते हैं उसे कहते हैं मैंसुअल साइकिल देखो यहाँ पे लिखा है द ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ इनर थिन जो इनर थिक लाइनिंग होती बहुत सारी मोटी ब्लड वेसल से मिलकर बनी हुई थी यही ब्रेक डाउन होती है जिससे क्या होता है वजाइनल ब्लीडिंग होती है उसे क्या बोलते हैं उसे कहते हैं मैंसुअल साइकिल मैंसोरेशन अगर इफ एन ओवम रिलीज बाई द ओवरी ऑफ द वूमेन डू डज नॉट गेट फर्टिलाइज ये मैंसोरेशन कब होगा मैंसोरेशन तभी होगा जब ओवरी ओवम या हम बोले एग जो रिलीज कर रहा है ओवरी वो फर्टिलाइज नहीं होगा और अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो वो लेडी प्रेगनेंट हो जाती है अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तभी मैंसोरेशन होता है नॉन एबुलटी ऑफ द स्पम एट द टाइम ऑफ ओवोलेशन ओवोलेशन के समय ओवोलेशन क्या होता है रिलीज ऑफ ओवम रिलीज ऑफ ओवलेशन उसी को क्या बोलते हैं ओवलेशन बोलते हैं तो ओवलेशन के समय इस बम क्या होता है नहीं प्रेजेंट होता है सिंस द प्रोसेस ऑफ मैं इन अ वूमेन अकर अगेन एंड अगेन आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ ट्वेंटी एट डेज ट्वेंटी एट डेज पे मैं होता है और ट्वेंटी एट डेज पे क्या होता है ओवुलेशन होता है तो यही जो ओवुलेशन होता है जब एक ओवम रिलीज होता है और यही अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया तब मेंसुरेशन नहीं होगा अगर ये जो ओवम रिलीज़ हो रहा है ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तभी मेंसुरेशन होता है तो इसलिए लिखा ट्वेंटी एट डेज से मैंसुरेशन होता है सो दैट इट इज़ कॉल्ड मंसूआर साइकिल और ट्वेंटी एट डेज पे भी ओवुलेशन भी होता है मैं एवरी ट्वेंटी ट्वेंटी हर ट्वेंटी होता है इसी वजह से ओवोलेशन भी हर ट्वेंटी होता है ओवोलेशन हर ट्वेंटी एट डेज पे हो रहा है तो मैं भी हर ट्वेंटी एट डेज पे हो रहा है मैं पीरियड मैंसुरेशन को कॉमनली क्या बोला जाता है पीरियड भी बोला जाता है देन नेक्स्ट इज मैंशन यूजली आकर फोर्टीन डे आफ्टर ओवलेशन एंड यूजली लास्ट अबाउट थ्री टू फाइव डेज ओवलेशन कब होता है ओवलेशन मिडिल साइकिल में होता है डिटेल में हम स्टडी करेंगे हायर क्लासेस में अभी देख लेते हैं मैंसुरेशन ये जो ओवलेशन ये होता है कब होता है फोर्टीन डेज पे होता है कब होता है फोर्टीन डेज पे ओवलेशन होता है और मैंसुरेशन कितने दिन तक होता है कम से कम तीन से पाँच दिन तक कितने दिन तक तीन से पाँच दिन तक आफ्टर मैंसूरेशन इज ओवर मैंसुरेशन खत्म होने के बाद द इनर लाइनिंग ऑफ यूटरस स्टार्ट बिल्डिंग अप अगेन सो दैट इट बिकम रेडी टू रिसीव द नेक्स्ट ओवम मैंसुरेशन जब एक मैंसुरेशन खत्म हो जाता है फिर से यूटरस की जो यूटरस की वॉल होती है वो फिर से अपने आप को प्रिपेयर करने लगती है नेक्स्ट ओबोलेशन के लिए मीन्स नेक्स्ट ओवम को रिली really, एक्सेप्ट करने के लिए क्या करने लगती है अपने आप को प्रिपेयर करने लगती है द मेन्सुअर साइकिल इज बाई हारमोन अब मेन्सुअर साइकिल को कौन कौन सा हारमोन कंट्रोल करता? करता है एल एच हारमोन कंट्रोल करता है इस्ट्रोजेन हारमोन कंट्रोल करता है और प्रोजेस्ट्रॉन हारमोन कौन सा हारमोन प्रोजेस्ट्रॉन हारमोन ये तीन हारमोन क्या करते हैं मेन्सुअ साइकिल को कंट्रोल करते हैं किसको कंट्रोल करते हैं मेन्सुअर साइकिल को कंट्रोल करते हैं जब फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी के समय जब फर्स्ट मैंसूरेशन होता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं मीनार्च उसके बाद जब 45 से 50 ईयर के बीच में वो लेडी चली जाती है तो मैंसुरेशन क्या होता है पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है परमानेंट के लिए मैंसुरेशन स्टॉप हो जाता है तो जो परमानेंट स्टॉपस है मैंसुरेशन का उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं मीनोपॉज तो मैंसुरेशन होता क्या है मैंसुरेशन एक प्रकार की रिप्रोडक्टिव साइकिल है जिसमें होता क्या है जिसमें जो यूट्रस की वॉल है जब ओवुलेशन होता है उस समय जो यूट्रस की वो सिंपल ओवुलेशन के समय जब ओवुलेशन होता है तो यूट्रस की जो वॉल होती है अपने आप को प्रिपेयर कर लेती बहुत सारे ब्लड वेसल्स से फिल रहती है अपने आप को प्रिपेयर करने लेती क्या करने के लिए उस ओवम को एक्सेप्ट करने के लिए ठीक है प्रिपेयर कर लिया तो जब ओवम रिलीज हुआ वो ओवम जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो वही ओवम क्या होता है उसी यूट्रस के अंदर ब्रेक डाउन हो गया और जो यूट्रस फिल्ड था उसकी जो थिक लाइनिंग थी बहुत सारे ब्लड वेसल्स से फिल्ड था तो क्या हुआ वो ब्लड वेसल्स क्या हुए ब्रेक डाउन हुए जिससे क्या हुआ ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हुआ ब्लीडिंग होती है तो वही जो वजाइना से ब्लीडिंग हो रही है उसी को क्या कहते हैं उसे कहते हैं मैंसुआ साइकिल इसीलिए बोला जाता है कि मेंसुरेशन तभी होगा जब जो ओवन रिलीज हो रहा वो फर्टिलाइज नहीं होगा अगर ओवन रिलीज हो रहा अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो मेंसुरेशन नहीं होगा तो वो लेडी क्या होगी प्रेग्नेंट हो जाएगी सिंपल और मेंसुरेशन जब फोट मैंसुरेशन स्टार्ट कब होता है प्यूबर्टी के समय एज होती है टेन टू ट्वेल्व ईयर के बीच में इन दोनों ईयर के बीच में मेंसुरेशन क्या हो जाता है स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद जैसे जैसे फोर्टी फाइव टू फिफ्टी ईयर में आते हैं मैंसुरेशन पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं मीनोपॉज और इस पूरी साइकिल को कंट्रोल कौन करता है कौन कंट्रोल करता हारमोन करते कौन कौन सा हारमोन एल एच हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन, हार्मोन प्रोजेस्टॉन हार्मोन इन तीनों के बारे में हम हायर क्लास में स्टडी करेंगे किस तरीके से ये तीनों हारमोन जो होते हैं वो मेन्सुअल साइकिल को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं